पीएम मोदी करेंगे हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में लेंगे भाग, प्रगति मैदान में मनाया जाएगा हथकरघा दिवस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, कहा सीएम ममता बनर्जी सांप्रदायिक है। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए ईडी सीबीआई और तमाम एजेंसी पर सवाल, इनकी तुलना पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई से की। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, नो हिंसा के आरोपियों को नहीं बख्शेगी सरकार, आरोपियों पर बुलडोजर का समर्थन किया। कैलाश विजयवर्गीय बोले, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में बुलाई पार्टी की अर्जेंट मीटिंग, पहले कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित। लखनऊ में हुई एसपी राज्य विधानमंडल दल की बैठक, अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर किया मंथन। आज से होगी उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की शुरुआत, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से मांगा सहयोग। बहुविवाह पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का बयान, कहा विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, जल्द कानून होगा लागू। कांग्रेस ने की राहुल गांधी की सदस्यता जल्द बहाल करने की मांग, अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा को लेकर दिग्विजय का सवाल, राहुल गांधी की तरह 24 घंटे में खत्म की जाएगी कठेरिया की सांसदी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर मंथन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। जयंत पाटिल अमित शाह से मुलाकात की, अटकलों पर खुद लगाया विराम, कहा किसी से नहीं हुई मुलाकात। एनसीपी ने किया पाटिल और शाह की मुलाकात की खबरों का खंडन, यूथ विंग के अध्यक्ष महबूब शेख बोले सभी खबरें निराधार। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन, नाबालिग को भट्टी में जलाने को लेकर सड़क पर उतरे लोग। अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने भारत माता क्या का नारा लगाने का विरोध किया, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक हुई। वाराणसी में लगातार चौथे दिन जारी रहेगा ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे। रविवार को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में पूरे दिन एएसआई की टीम ने किया सर्वे, एएसआई कर रहा पूरे परिसर की विस्तृत जांच। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में गुंबदों, परिसर और तहखानों की फोटोग्राफी, मैपिंग और माप ली जा रही। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का बयान, ज्ञानवापी को लेकर जो भी दावे किए थे वो सभी प्रतीक मिले। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, आज मणिपुर के डीजीपी कोर्ट में पेश होंगे। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करेगा, पटना हाईकोर्ट ने इस सर्वे को सही करार दिया है। दिल्ली के राजधानी कोर्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर होगी सुनवाई, शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल, आप कांग्रेस ने व्हिप जारी किया, सभी मेंबर्स से सदन में उपस्थित रहने की अपील की गई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल, बिल पर सदन में होगी चर्चा। दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, कुछ अन्य दल बिल का समर्थन कर रहे हैं, बिल का विरोध करना गलत। दिल्ली अध्यादेश बिल पर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह का बयान, कहा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दर्जा प्राप्त, बिल का केजरीवाल न करे विरोध। दिल्ली अध्यादेश बिल पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, सरकार दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनना चाहती है। हिंसा प्रभावित नौ जिले में आज भी जारी रह सकती है बुलडोजर कार्रवाई, लगातार पांचवें दिन गरज सकता है बुलडोजर। नौ में पुलिस अधिकारियों ने की ग्रामीणों के साथ मीटिंग, हिंसा के बाद बिगड़े हालात को लेकर बातचीत। नौ हिंसा को लेकर साउथ रेंज के एडीजीपी का बयान, अब तक दर्ज की गई 56 FIR, 147 लोगों की गिरफ्तारी। नौ के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा अभी इंटरनेट सेवा पर रहेगी पाबंदी, आज से कर्फ्यू में एक घंटे की ढील बढ़ी। नौ के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का बयान, कहा जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए हुआ उस पर हो रही है कार्रवाई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, जो लोग अमन चैन और भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें जवाब देना होगा। मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुबह 11:10 पर शुरू होगी सुनवाई। मणिपुर के विष्णुपुर में बनाए गए राहत शिविर, मैतेई और कुकी के बीच सुलह की कोशिश। मणिपुर के अपनी सुरक्षा के लिए बंकर तैयार कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग बना रहे हैं बंकर।
मणिपुर की हिंसा को लेकर मोहाला में हुआ प्रदर्शन, किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। मणिपुर में आज दी जाएगी कर्फ्यू में ढील, लोगों को जरूरत का सामान लेने के लिए दोपहर 12 बजे तक ढील दी जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में एक 85 साल के बुजुर्ग महिला की हत्या, मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में विवाहिता की मौत में भड़के परिजन, थाने में ससुराल वालों की चप्पल जूतों से पिटाई, दहेज हत्या का लगाया आरोप। पंजाब के लुधियाना में भाई ने बहन और उसके पति को गोलियों से भूना, बहन की मौत, पति की हालत गंभीर। चंडीगढ़ में एडिशनल एसएचओ ने व्यापारी को धमकाकर की 1 करोड़ की लूट, आरोपी एसएचओ के 7 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में पत्नी ने रची खून की साजिश, भाई के साथ मिलकर पति की प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके भाई को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में ईसाई समाज पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है, बजरंग दल ने पुलिस को दी सूचना। बिहार के नवादा में 150 लोगों का करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन, मौके से धार्मिक किताबें बरामद। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर मारा छापा, पुलिस ने बार से 14 हुक्के किए बरामद। पश्चिम बंगाल में वीरभूम के खोईराशोल में झाड़ियों में मिले बम से भरे ड्रम, एक घर से मिली 12,000 जिलेटिन की छड़। ग्रेट नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों से 70 किलो हेरोइन बरामद, तस्करों के पास से 3 पिस्टल और मैगजीन बरामद। राजस्थान का भीलवाड़ा, प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर गिरा छज्जा, भट्टी कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। लखनऊ में आग का गोला बनी चलती कार, डायल 112 मुख्यालय के पास चलती कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की पहली तस्वीर, चंद्रयान ने 5 अगस्त को किया था चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। आज देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश संभव। हिमाचल के शिमला में मंगलाट भागवत रोड पर बारिश के बाद भूस्खलन, भूस्खलन में शिमला जाने वाले यात्रियों को परेशानी। यूपी के सीतापुर में तेज बरसात के बाद सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड के टिहरी में बंदाल नदी में 2 बच्चों समेत 14 पर्यटक फंसे, जेसीबी की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी, बारिश के बाद डैम से छोड़ा गया पानी, हरिद्वार में गंगा का बढ़ा जलस्तर।